स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द करेक्ट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। आज हम जो है अपनी इंग्लिश लर्निंग का सेकेंड स्टेप जो है लेने जा रहे हैं और आज मैं आपको बताने वाली हूँ करेक्ट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। नाउ व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है? देखिए, जैसे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो है, जो हम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जो है आई वी यू दे ही शी इट इन सभी का जो है यूज करते हैं। ये सभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज करते हैं और इनकी हेल्प से सेंटेंस बनाने के लिए जो है, इन प्रोनाउंस की हेल्प से हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो है यूज करनी पड़ती हैं। तो वो सारी हेल्पिंग वर्ब्स मैं आज की वीडियो में आपको जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, हैड, was, were, will, shall को जो है मैंने लिया है और आज मैं जो है इन्हीं के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि कौन से जो है person के साथ, person means here I, we, you, they, plurals, he, she, it, इन सभी के साथ जो है, किसके साथ जो है, कौन सी helping verb जो है हमें correctly use करनी चाहिए। क्योंकि कुछ students ऐसे होते हैं जो beginners हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर ये नहीं पता है कि किसके साथ हमें जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना चाहिए, तो वो जो है ब्लंडर्स कर सकते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं और लाफिंग स्ट्रोक बन सकते हैं दूसरों के सामने, बोलते हुए भी और लिखते हुए भी। सो ये जो है बेसिक रूल्स की, मैंने आपको कहा था कि मैं बेसिक रूल्स आपको बताऊंगी, तो ये आज हमारा जो है सेकेंड स्टेप है और मैं आज आपको जो है वन बाय वन इनके बारे में बताने वाली हूँ कि आपको जो है इनको कैसे यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टेक डू। हम जो है सबसे पहले डू की बात करेंगे। देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनको जो है हम सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं, ये जो है सेंटेंसेस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो देखिए, डू जो है कौन कौन से जो है प्रोनाउंस के साथ जो है यूज किया जाता है? आई के साथ। आई मीन्स मैंने आपको बताया था मैं, वी मीन्स हम था, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे और प्लूरल्स यानी कि बहुवचन। जब हम कभी भी जो है इनमें से किसी की बात करें करते हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो हम जो है डू लगाते हैं ना कि डज। सो आपको जो है ये चीजें जो है याद कर लेनी है। और डज जो है किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर्स के साथ। सिंगुलर्स मीन्स एक वचन के साथ जो है हम डज लगाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर आपके सामने जो है देना चाहती हूँ इनसे रिलेटेड। जैसे आपने जो है सेंटेंसेस सुने होंगे लोगों को बोलते हुए, I don't like you, तो I के साथ do लग रहा है। I don't, don't जो है वो do और not से मिलकर बनता है, so I के साथ क्या लग रहा है? do लग रहा है। हम ये कभी नहीं कहते I doesn't like you, we always say I don't like you, so आपको जो है do जो है पता होना चाहिए। We do not go there every day, तो we के साथ क्या लग रहा है? do लग रहा है, we doesn't से। हम जो है ये नहीं कभी भी कहते कि वी डजंट से या वी डजंट गो, वी ऑलवेज से क्या कहते हैं हम हमेशा? वी डू नॉट गो, वी डू नॉट से। सो यू का के साथ भी जो है डू यूज होता है, कभी भी डज जो है यूज नहीं होता है। आपने फेमस सॉन्ग भी सुना होगा डू यू नो, तो उसमें देखिए यू के साथ जो है उसने डू का ही यूज किया है। चाहे सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हमेशा जो है यू के साथ किसका यूज होगा? डू का यूज होगा। दे जो है इसी तरीके से जो है दे के साथ भी जो है डू लगता है, कभी भी जो है डज नहीं लगता है। और ऐसे ही जो है प्लूरल्स यानी कि बहुवचन की बात की जाती है, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, पीपल, पेरेंट्स, उनके साथ भी जो है क्या लगेगा? डू लगेगा। डू द पेरेंट्स नो? सो इस तरह से इनसे हम जो है जो भी सेंटेंस जो है बनाएंगे और हमें जो है अगर चूज करना है डू और डज के बीच में, तो हम इन सभी के साथ जो है डू और डज में से हमेशा क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर उसके बाद हम करते हैं डज की बात करते हैं। डज जो है वो ही के साथ, ही डजंट कम हियर डेली, शी डज नॉट लिसन टू मी, सो ही, शी, इट के साथ भी जो है क्या लगता है? इट डज।
किसी का नेम हो तो नेम के साथ भी जो है डज लगता है, या कोई एक वचन हो यानी कि सिंगुलर हो तो सिंगुलर के साथ भी जो है डज लगता है, हम जो है ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ जो है कभी भी डू यूज नहीं करते हैं। वी नेवर से, हम कभी भी ऐसे नहीं कहते हैं ही डू नॉट नो, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। हम हमेशा क्या कहते हैं, ही डजंट नो, वह नहीं जानता। सो आगे चलते हैं, देखिए फिर हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम और आर। अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इज की जो है बात करते हैं। जब हमें जो है देखिए किसी भी ये जो प्रोनाउंस जो दिए हुए हैं इनकी जब हम बात करते हैं तो हम जब हम इनकी बात करते हैं तो हम जो है इज यूज करते हैं। जैसे कि हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो हम कहेंगे ही इज, शी इज, इट इज। किसी का नेम है जैसे कि श्याम इज, या कोई भी सिंगुलर चीज है, एक वचन है जैसे कि द टॉय इज। सो इन सभी के साथ जो है हम क्या यूज करेंगे, इज का जो है यूज करेंगे। और ऐसे ही देखिए एम जो है, एम का यूज जो है आई के साथ जो है हमेशा किया जाता है। एम का यूज जो है कि किसी और प्रोनाउन के साथ जो है कभी नहीं किया जाता है, जैसे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो आई के साथ जो है हमने क्या यूज किया, एम यूज किया। कभी भी हम ये नहीं कहते I is going to the market, I are going to the market, कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं। We always say I am, I के साथ जो है क्या यूज होता है, am जो है यूज होता है। फिर हम बात करते हैं R की। देखिए R जो है वो we, you, they और plurals के साथ यूज होता है। We means हम, you means तुम, चाहे यू जो है सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है चाहे प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, दोनों ही केसेस में उसके साथ आर ही लगेगा। दे के साथ भी जो है आर लगेगा, दे मीन्स वे, और बहुवचन कोई भी हो उसके साथ जो है आर ही लगेगा। जैसे कि वी आर गोइंग टू द मार्केट, यू दे के साथ जो है हम आर लगाते हैं। दे मीन्स क्या होता है, वे, दे आर कमिंग टू आर हाउस, वे हमारे घर आ रहे हैं। प्लूरल, प्लूरल यानी कि बहुवचन, बहुवचन में कुछ भी हम जो है वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स जो है आसमान में उड़ रहे हैं। हम जो है प्लूरल के साथ, हम जैसे हमने बर्ड्स का एग्जांपल लिया है, हम ये नहीं कह सकते बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, दैट विल बी रॉन्ग। अगर हम एक वचन ले लें जैसे कि बर्ड ले लें, फिर हम ये कह सकते हैं बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। सो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो बात करते हैं, हैज और हैव की बात करते हैं। देखिए हैज जो है किसके साथ लगाते हैं, हमेशा ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर्स के साथ। जैसे हम कहेंगे ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। शी हैजंट सबमिटेड हर असाइनमेंट, उसने अपनी असाइनमेंट जमा नहीं कराई है। इट हैज ब्रोकन, यह टूट चुका है। नेम, किसी भी नेम के साथ भी हम हैज का ही यूज करेंगे, जैसे कि रीटा हैज गॉन, या कोई भी सिंगुलर होगा जैसे कि बर्ड हैज फ्लॉन, पक्षी जो है वो उड़ चुका है। सो इस तरह से जो है इन सभी के साथ जो है हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हैव की। आई, आई के साथ जो है हमेशा हैव लगाते हैं, चाहे हम जो है क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस बनाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए, या फिर जो है कोई बात बताने वाला अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, या फिर नेगेटिव किसी भी तरीके का सेंटेंस बनाएंगे तो आई के साथ जो है अगर हमें ये चूज करना है कि हैज लगाएं या हैव लगाएं, तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। जैसे कि आई हैव नॉट टेकन माई फूड, मैंने अभी अपना खाना, मैंने अपना खाना नहीं खाया है। We have watched this movie, हमने ये movie देख ली है। You haven't prepared your assignment, तुमने अपना assignment prepare नहीं किया है। They have not invited us, उन्होंने हमें invite नहीं किया है। Plurals के साथ भी जो है have ही लगेगा, जैसे कि toys have been broken by them, toys को उन्होंने तोड़ दिया है। So इस तरीके से जो है हम जो है plurals के साथ भी जो है have लगाएंगे। उसके बाद जो है हम बात करते हैं did की। जब जो है did की बात की जाती है, जैसे यहाँ पर तो हमें जो है choose करना पड़ा था कि हम जो है
कुछ हेल्प कुछ जो है प्रोनाउंस के साथ डू लगाते हैं और कुछ के साथ जो है डज लगाते हैं। लेकिन देखिए डिड का यूज जो है वो किसी पास्ट की बात बताने के लिए किया जाता है, तो डिड का यूज जो है वो सभी के साथ किया जाता है जो प्रोनाउंस इस कैटेगरी में आए हैं जिनके साथ डू यूज होता था, और जो प्रोनाउंस इस कैटेगरी में आए हैं जिनके साथ जो है डज यूज होता था। अगर हम जो है इन सभी के बारे में जो है कोई भी पास्ट से रिलेटेड बात बताते हैं तो हम जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डिड को यूज करेंगे। जैसे कि आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया था। वी डिड नॉट वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, हमने कल रात एक मूवी नहीं देखी थी। ही डिड नॉट डू हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया था। किसी का नेम भी हो तो भी हम डिड ही लगाएंगे, जैसे कि राहुल डिड नॉट इनवाइट मी, राहुल ने मुझे इनवाइट नहीं किया था। तो इस तरीके से जो है दोनों ही कैटेगरी के जो प्रोनाउंस है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सभी जो है डिड लगाएंगे अपने साथ अगर पास्ट टेंस का यूज किया जा रहा है, यानी कि कोई पास्ट से रिलेटेड बात की जा रही है। उसके बाद जो है हैड की बात करते हैं। जिस तरीके से डिड का यूज हुआ था सभी के साथ, उसी तरीके से जो हैड का यूज भी जो है दोनों ही कैटेगरी के जो है वर्ड्स के साथ किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन पर्सन के साथ भी और जो है थर्ड पर्सन के साथ भी जो है हेड का यूज किया जाता है। कब? जब जो है पास्ट की बात की जाती है। सो हेड जो है वो आई वी यू दे प्लूरल्स ही शी इट नेम और सिंगुलर सभी के साथ जो है हेड का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं वॉज की। देखिए वॉज का जो है मीनिंग क्या होता है, था, और वर्क का मीनिंग क्या होता है, थे। ठीक है, सो वॉज जो है किस किस के साथ लगाया जाता है, आई के साथ, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर्स के साथ। जैसे कि आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, आई के साथ क्या लगाया, वॉज लगा, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। ही वॉज डिस्टर्बिंग मी, वह मुझे परेशान कर रहा था। She was helping me, वह मेरी मदद कर रही थी। It was not working, यह काम नहीं कर रहा था। Suppose fan नहीं चल रहा था, या कोई भी non-living चीज की बात कर सकते हैं, bird की, animal की, किसी की भी, तो it के साथ हमेशा क्या लगेगा, was लगेगा, अगर हमें was और were के बीच में select करना है, choose करना है तो। Name के साथ भी जो है was लगता है, जैसे कि सीता was sitting there, ऐसे ही singulars के साथ भी क्या लगेगा, was, जैसे कि the toy was broken, तो was लगाया हमने। फिर उसके बाद हम बात करेंगे were की। were means था थे, were means क्या है, थे होता है, so were का use होता है we के साथ, जैसे कि we were going to the park, हम park जा रहे थे, so we के साथ किसका use करेंगे, हम were का use करेंगे। यू जो है चाहे सिंगुलर के लिए यूज हो चाहे प्लूरल के, हमेशा ही जो है यू के साथ जो है वॉज और वर में से किसको सिलेक्ट करना है, हमें वर को ही लगाना है। जैसे कि यू वर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे थे। वर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे थे। दे वर कमिंग टू आर हाउस, वे हमारे घर आ रहे थे। ऐसे ही प्लूरल्स के साथ भी जो है वर का यूज किया जाता है, जैसे कि बॉयज, मैंने प्लूरल वर्ड क्या लिया है, बॉयज वर प्लेइंग इन द पार्क, बॉयज जो है वो पार्क में खेल रहे थे। उसके बाद जो है हम बात करते हैं, देखिए विल और शैल की। विल और शैल की बात करेंगे, आपने जो है सुना ही होगा आई विल गो देयर, इस तरीके से जो है विल और शैल का जो है यूज जो है हम रूटीन में जो है आप लोग सुनते ही हैं, यूज किया जाता है। अब ये देखिए विल जो है किसके साथ लगना चाहिए, ग्रामेटिकली जो है अगर हम देखें इसको सही जो है इसके यूज की बात करें तो विल का यूज जो है ही शी इट यू दे सिंगुलर्स और प्लूरल्स के साथ किया जाता है, और शैल का यूज जो है आई और वी के साथ किया जाता है। लेकिन जो है बहुत से लोग जो है आई और वी के साथ जो है विल का भी जो है यूज करते हैं। सो अगर हम ग्रामर के हिसाब से बात करें
टेंसेस के अकॉर्डिंग बात करें तो विल का यूज जो है किसके साथ होगा, ही के साथ, जैसे कि ही विल कम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आएगा। शी विल नॉट गो टू स्कूल टुमोरो, वह कल स्कूल नहीं जाएगी। इट जो है इट विल नॉट वॉक, यह काम नहीं करेगा या इससे काम नहीं चलेगा। यू विल प्ले विद मी, तुम मेरे साथ खेलोगे। दे विल नॉट कॉल अस, वे हमें नहीं बुलाएंगे। सिंगुलर देखिए, सिंगुलर में कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, जैसे कि द बॉय विल नॉट गिव मी हिज बॉल, बॉय जो है वो बॉय मुझे अपनी बॉल नहीं देगा। प्लूरल्स में कोई भी जो है वर्ड ले सकते हैं आप बहुवचन, जैसे कि द गर्ल्स विल नॉट कम टू द पार्क टुमोरो, गर्ल्स कल जो है पार्क में नहीं आएंगी। सो इस तरीके से विल के साथ जो है इन सबको जो है हम इन सबके साथ जो है हम विल को यूज करते हैं। इन द सेम सेंस वैसे ही जो है फ्यूचर टेंस के लिए, अभी मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं टेंसेस की वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं जो है प्रॉपर सेंटेंसेस भी बनाने सिखाऊंगी। सो शेल जो है किसके साथ यूज होगा, आई और वी के साथ, जैसे कि मैं कल एक गाना गाऊंगा, आई शेल सिंग अ सॉन्ग टुमोरो। वी के साथ भी देखिए शेल का यूज होता है, वी शेल गो टू स्कूल टुमोरो, हम कल स्कूल जाएंगे। अब मैं जो है जो आपको मैं बता रही थी कि कुछ लोग जो है या फिर आजकल जो है क्या होता है, आई और वी के साथ जो है लोग जो है शेल का जो है हमें बुक्स में ही देखने के लिए मिलता है या बहुत कम जो है लोग यूज़ करते हैं, तो आई और वी के साथ जो है ज़्यादातर लोग जो है विल को जो है यूज़ करते हैं। वो किस सेंस में करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए विल का यूज़ जो है आई और वी के साथ जो है कब किया जाता है, जब हम जो है किसी को कोई जो है प्रॉमिस कर रहे हैं। जैसे मैं किसी को ये कहूँ कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, तो मैं कहूँगी आई विल। देखो यहाँ पर प्रॉमिस करते हुए मैं आई के साथ विल का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी आई विल गिव यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। ऐसे ही कोई बात जब डेटरमिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय के साथ कही जाती है, पक्के विश्वास के साथ कही जाती है, तो भी जो है आई और वी के साथ विल का यूज होता है। जैसे कि मैं ये कहूँ आई विल विन द रेस टुडे, कि मैं आज जो है ये रेस जीत कर रहूंगी। तो डेटरमिनेशन वाली फीलिंग आ रही है, तो इसलिए आई के साथ जो है विल का यूज आ रहा है कि मैं आज ये रेस जीत के रहूंगी। ऐसे ही जो है थ्रेट की बात की जाती है, थ्रेट मीन्स होता है धमकी देना। जब हम किसी को धमकी दे रहे हैं तो जो है आई और वी के साथ जो है विल का यूज होता है। जैसे मैंने एज अ टीचर किसी स्टूडेंट को ये कहा आई विल पनिश यू, सो आई और वी के साथ जो है क्या यूज हो जाएगा, इन तीनों ही सेंस में, इन तीनों ही जो है फीलिंग्स में जब सेंटेंस बोले जाते हैं इन फीलिंग्स के साथ, तो आई और वी के साथ जो है विल का यूज किया जाता है। दिस इज द करेक्ट यूसेज ऑफ विल एंड शेल। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताने का, जो मैं आपको यहाँ पर जो है बताना चाहती हूँ, कि जब हम जो है कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जब किसी क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम जो है बोलते हैं, तो वैसे तो मैंने आपको बताया है कि आई और वी के साथ आप जो है विल को यूज कर लीजिए, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस बोला है तो उसको जो है हम बनाते हुए एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो क्या है। देखिए मैंने क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाया है आई के साथ विल को यूज करते हुए, तो विल को मैं आगे ले आई हूँ हेल्पिंग वर्ब को, और सब्जेक्ट मेरा आई जो है पीछे चला गया है। तो ये कैसे बनेगा, विल आई गो विथ यू, कि क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो ये तो ठीक है सेंटेंस, लेकिन अगर हम जो है वी और विल की बात करें, तो जब हम जो है सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे वी विल गो देयर, तो वो करेक्ट है, लेकिन जब हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं और विल को जो है हम आगे लगा रहे हैं और वी को पीछे लगाकर इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं विल वी गो देयर,
तो ये सेंटेंस जो है एरर हमारी है, इसमें जो है हम इस सेंटेंस को ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि कभी भी जो है विल वी के साथ जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। जब भी हम कोई जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वी के साथ जो है हम शेल का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करते हैं। तो सेंटेंस को जो है हम कैसे बनाएंगे प्रॉपर तरीके से राइट मैनर में, शेल वी गो देयर। सो ये हमारा सेंटेंस जो है राइट माना जाएगा और ये हमारा जो है एक इनकोरेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। तो कभी भी जो है विल को हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में वी के साथ जो है यूज नहीं करते हैं। हम इनको अफर्मेटिव में यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में यूज कर सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं वी विल गो देयर, वो सही है। हम ये भी कह सकते हैं वी विल नॉट गो देयर, वो भी करेक्ट है। लेकिन ये कहना कि विल वी गो देयर, ये जो है क्या है, इनकोरेक्ट सेंटेंस है। सो वट इज द राइट सेंटेंस, शैल वी गो देयर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा हाउ टू यूज द हेल्पिंग वर्ब्स करेक्टली विद दीज प्रोनाउंस। सो आप जो है आज की वीडियो में ये जो आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, इन वर्ड्स के प्रॉपर करेक्ट यूज को जो है आप अच्छे से जो है समझेंगे और लर्न करेंगे और इस वीडियो को जो है पसंद करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव अ कॉमेंट फॉर मी इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड सून आई विल बी देयर विद द थर्ड स्टेप फॉर लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू स्टूडेंट्स।